स्वतंत्र भारत के इतिहास में 28 मई की तिथि एक गौरवशाली अतिथि के रूप में दर्ज होने जा रही है, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत के लोकतंत्र की प्रतीक भारतवासियों को नई संसद भेंट की जाएगी। यह एक ऐतिहासिक अवसर होगा। इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है। लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है और भारत के लोकतंत्र जिस पर पूरा भारत गौरव की अनुभूति कर रहा है, पूरी दुनिया जिस पर गौरव की अनुभूति करता है, जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है बल्कि भारत लोकतंत्र की जननी के रूप में भी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई पहचान दी है, उस भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने जैसा भी ये बयानबाजी है। ऐसा नहीं कि इस प्रकार के गौरवशाली क्षण को जो आज विपक्ष के बयानों से विवादित करने का कुत्सित प्रयास हो रहा है, मुझे लगता है कि यह देश इस प्रकार की बातों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा और संसद से जुड़ी हुई आज के अनुसार जो नई पार्लियामेंट है, न्यू पार्लियामेंट, आज की आवश्यकता के अनुरूप आगामी 100 वर्ष के विजन को ध्यान में रख करके बहुत दूरदर्शी तरीके के साथ बनाई गई है। सभी को पुरातन और आधुनिक दोनों बातों का समावेश करते हुए हर एक पार्लियामेंटेरियन को वहां पर स्पेस मिल सके, उनके लिए हर प्रकार की सुविधा और आम जन की आवाज को सुनने का एक महत्वपूर्ण मंच हमारी संसद बन सके, इस दृष्टि से भारत की नई संसद उसका एक प्रतीक बनने जा रही है जो दुनिया के लिए भी एक आदर्श बन सकती है। लेकिन विपक्ष के इस प्रकार की बयानबाजी अत्यंत ही क्षोभकारी है। ऐसा नहीं कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री इस प्रकार के किसी उद्घाटन के साक्षी बन रहे हों। इससे पहले पार्लियामेंट एनेक्सी का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया जा चुका है। पार्लियामेंट लाइब्रेरी का शिलान्यास पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के द्वारा रखी गई थी। ऐसे अनेक उदाहरण हैं और उस सब के बावजूद न्यू पार्लियामेंट के ऐतिहासिक कार्यक्रम को जिस तरीके से गरिमामय कार्यक्रम को, गौरवशाली क्षण को, ऐतिहासिक पल को साक्षी बनकर के देशवासियों के लिए गरिमामय और गौरवमय बनाने के अवसर से विपक्ष अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों के माध्यम से धूमिल करने का कुछ प्रयास कर रहा है, मुझे लगता है कि देश और इस देश की जनता जनार्दन इसके कतई स्वीकार नहीं करेगी। हम तो अपील करेंगे कि सभी लोगों को इस अवसर पर साक्षी बनना चाहिए इस ऐतिहासिक क्षण का और भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के आह्वान के साथ हम सबको जुड़ना चाहिए।